हिंदू पक्ष की ओर से कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर साकेत कोर्ट 9 जून को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई के बाद दोनों ही पक्षों को 9 जून से पहले लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा। जवाब दाखिल होने के बाद 9 जून को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पूजा करने वालों को अपने धर्म का अधिकार जरूर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस मामले में पूजा का अधिकार नहीं है। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को ASI ने कोर्ट से खारिज करने की मांग की। ASI ने कहा कि कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है। जब कुतुब मीनार को एक स्मारक के रूप में घोषित किया गया था, तब यहां पर इस तरह की कोई गतिविधि कभी मौजूद नहीं थी, ASI ने हरिशंकर जैन की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए ASI ने कहा कि यह एरिया स्मारक अधिनियम द्वारा चलती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि मरद का चरित्र क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। इस पर ASI ने कहा कि स्मारक वर्षों पहले बनाया गया था, किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध या याचिका इससे पहले कभी नहीं आई। अभी हाल ही में ये बातें सामने आई हैं। ASI ने आगे कहा कि स्मारक का स्वरूप वही रहेगा जो अधिग्रहण के वक्त था, लिहाजा कुछ स्मारक में पूजा की इजाज़त है, कुछ में नहीं, क्योंकि ये अधिग्रहण के वक्त की स्थिति से तय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।